हेलो फ्रेंड्स, फ्रीजर एक्वेरियम आपका स्वागत करता है आपके पेट शॉप का साथी सिंस 1998 से, जिसमें बहुत सारी वैरायटीज, एक्जॉटिक फिश की वैरायटीज है, जैसे रेडटेल गोल्डन अरवाना, पर्ल अरवाना, डिस्कस, ऐसी बहुत सारी वैरायटीज जो रोज अवेलेबल हमारे पास नई नई फ्रेश वैरायटीज आती है। और कैट फूड में भी बहुत सारी वैरायटीज है, जैसे म्याओ ब्रांड है, रॉयल कैनिन है, विस्कस है, रूल्स है, ऐसी बहुत सारी वैरायटीज जो हमारे पास अवेलेबल है और विथ डिस्काउंट्स। और इसके लिए आपको हमारी शॉप पे आइए, एक बार विजिट करिए और उसका फ़ायदा उठाइए। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। भिवंडी तालुका के रहनाल ग्रामीण इलाके में कल रात के समय आग लग गई, जिसमें एक वृद्ध महिला की झुलस कर मौत हो गई और तीन महिलाएं बुरी तरह से आग से झुलस गई हैं। रहनाल ये ग्रामीण इलाका भिवंडी शहर से काफ़ी दूर है और यहाँ करीब 20 झोपड़ियाँ हैं। ये झोपड़ियाँ कार्डबोर्ड, प्लाईवुड और प्लास्टिक से बनी हुई थी। बेहद ही गरीब तबके के लोग यहाँ रहते हैं। जानकारी के मुताबिक रात में मंदिर में दिया जलाकर रखा गया था और ये दिया पलट गया, जिसके बाद आग फैल गई और ये आग आसपास की चार झोपड़ियों को अपने चपेट में ले ली। आग की लपटों से झुलस कर लक्ष्मी शिवाजी महसर नामक एक वृद्ध महिला की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य महिलाएं आग से बुरी तरह से झुलस कर घायल हो गई। काय सांगाल की काय झालं होतं? दिवा पेटवलेला ना, दिवा लागलेला, ते पुरा याला लागला झोपड्याला आग, म्हणजे हे होत कागद लावलेला त्याच्या। अच्छा, किती झोपड्या जळल्या? दोन जळाले, दोन तीन जळाले, चार झोपडे गेले पुरे झाले। किती जण, कोणाला काय लागलं? आमची आजी, माझी आई आहे ना, ती पुरी जळून हे गेले नाही, चौघी जण भाजले, तिघी जण आहे ना। तुमचं नाव काय? ज्योती गोपीनाथ सर। ज्योती, नक्की सांग काय घटना घडली, कशी काय झाली? देवाकडे खाली दिवे लावले, दिव्याने आग लागली। अच्छा, पूर्ण झोपडी जळली? हा, तीन चार। कोण कोण जळले त्याच्यामध्ये? आमचं कोणीच नाही। तुला, तू पण भाजलीस का?